हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। पिछला जो हमारा टॉपिक था दैट वाज रिगार्डिंग द ईसीजी, वहां पे हमने आपको बोला था कि ईसीजी को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, डिफरेंट डिसऑर्डर्स में ईसीजी में जो चेंजेस आते हैं वो कौन सी चेंजेस आते हैं। होप यू हैव गॉट थ्रू दैट लेक्चर। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट विल बी रिगार्डिंग द हार्ट ब्लॉक। सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन की बात करेंगे तो ये जो हार्ट ब्लॉक होता है ये एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पे इंटरप्शन होती है इन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। यहां हम ऐसे बोल सकते हैं कि हार्ट ब्लॉक एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ये जो नॉर्मल कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट होता है इसमें किसी न किसी जगह पे इंटरप्शन क्रिएट हो जाती है। देखिए ये जो इंटरप्शन होती है इट कैन बी ऑफ थ्री काइंड्स, या तो डिले होगी इलेक्ट्रिकल इंपल्स, अदरवाइज सेकंड क्या हो सकता है देयर विल बी टेम्पररी ब्लॉकेज इन ट्रांसमिशन ऑफ दिस इंपल्स और देयर विल बी परमानेंट ब्लॉकेज। थ्री कंडीशन एग्जिस्ट हो सकती है, या तो डिले होगा इलेक्ट्रिकल इंपल्स में, अदरवाइज देयर विल बी टेम्पररी ब्लॉकेज और देयर विल बी परमानेंट ब्लॉकेज। देखिए डिले इन ट्रांसमिशन, नॉर्मली जो ऐसे नोड है वहां से इंपल्स जनरेट हो जाती है दैट ट्रांसमिट टू एवी नोड। एवी नोड पे स्मॉल डिले होता है जो आपको पीआर इंटरवल से पता चलता है, देयर इज डिले ऑफ 0.20 सेकेंड्स, और यू कैन से दैट 0.12 to 20 सेकेंड्स। अब अगर ये डिले प्रोलॉन्ग हुआ दैट मीन्स व्हेन इट इज मोर देन 0.20 सेकेंड्स वी कॉल इट एज फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। दैट मीन्स इन केस ऑफ फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक देयर इज प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल। और जब हम ईसीजी को देखेंगे तो ये जो पी आर इंटरवल होगा दैट विल बी मोर देन 0.20 सेकेंड्स। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या एग्जिस्ट होती है, देयर विल बी टेम्पररी ब्लॉकेज। देखिए ये जो इंपल्स ट्रांसमिट होती है फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल्स, अगर इस इंपल्स में टेम्पररी ब्लॉकेज आई तो वो बनेगा सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक। दैट मीन्स इन केस ऑफ सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक देयर इज टेम्पररी और ट्रांसिएंट ब्लॉकेज इन इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन। ये जो सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक होता है ये दो टाइप्स का होता है। पहला जो टाइप होता है वी कॉल इट एज मोबीज टाइप वन, और सेकंड जो आता है वी कॉल इट एज मोबीज टाइप टू। देखिए मोबीज टाइप वन और मोबीज टाइप टू क्या होता है, ये जो मोबीज टाइप वन होता है इसमें जो पीआर इंटरवल होता है वो प्रोग्रेसिवली इंक्रीज होता है, लेकिन ये जो मोबीज टाइप टू होता है इसमें जो पीआर इंटरवल है दैट रिमेन्स कॉन्स्टेंट। प्लस एट सम प्लेसेस क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इज एब्सेंट। सो इन केस ऑफ टाइप फर्स्ट पी आर इंटरवल प्रोग्रेसिवली इंक्रीज होता है, जैसे पहले
हार्ट साइकिल में पीआर इंटरवल 0.20 सेकंड्स का हुआ, सेकंड में क्या आएगा 0.20 से ज्यादा आएगा, थर्ड में उससे ज्यादा, बट इन केस ऑफ टाइप सेकंड पीआर इंटरवल रिमेन्स कॉन्स्टेंट। यहाँ पे जो डिफरेंशिएट करता है इसको दैट इज क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के मोबीज टाइप सेकंड में किसी किसी जगह पे ईसीजी पे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एब्सेंट होता है। ये जो मोबीज टाइप फर्स्ट होता है इसको हम वेंच बैग भी बोलते हैं, राइट। अब थर्ड पॉसिबिलिटी जो है दैट इज कंप्लीट ब्लॉकेज। अगर कंप्लीट ब्लॉकेज हुई इन ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स, वी कॉल इट एज थर्ड डिग्री हॉट ब्लॉक, ठीक है। दैट मीन्स कंप्लीटली एट्रिया से वेंट्रिकल तक जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स होती है वो कंप्लीटली ब्लॉक हो जाती है। यहां पे क्या होगा, थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में, थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में जो अगर हम ईसीजी को देखेंगे, एक इंडिविजुअल की ईसीजी को, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन पी वेव एंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। नाउ व्हाट डज दैट मीन, देखिए यूजुअली क्या होता है, पी वेव के बाद क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बनता है, बट इन दिस टाइप ऑफ हार्ट ब्लॉक जो थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक होता है वहां पे पी वेव बनती है बट उसको क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स फॉलो नहीं करता है, ओनली एट सम प्लेस। जैसे पी वेव बनी, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स नहीं बना, पी वेव बनी फिर से क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बन गया, देन कंटिन्यूअसली दो तीन पी वेव बने उसके बाद क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बना। और सिंपली यू कैन रिमेंबर दैट व्हेन देयर इज ओनली पी पी एंड पी दैट मीन्स एन इंडिविजुअल इज हैविंग थर्ड डिग्री। देखिए ये जो थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक होता है इसमें पेशेंट को टेम्पररी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, ठीक है। नाउ व्हाट डज दिस टेम्पररी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस कॉमनली कॉल्ड एज, वी कॉल इट एज सिंकोप। यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन बनता है, अगर आपको पूछा जाएगा कि किस टाइप ऑफ हार्ट ब्लॉक में पेशेंट को सिंकोप होता है तो योर आंसर विल बी थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। सो अब अगर हार्ट ब्लॉक में देखेंगे कि मेडिकल मैनेजमेंट क्या होगा, यूजुअली हम हार्ट ब्लॉक में आइसोप्रेनलिन देते हैं, आइसोप्रेनलिन एज आईवी इन्फ्यूजन हम पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं। अब अगर इंडिविजुअल को थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक हुआ तो वहां पे जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट बनता है दैट इज पेसमेकर। पेसमेकर में या तो हम टेम्पोररी पेसमेकर का यूज करते हैं और परमानेंट वन। देखिए ये जो परमानेंट पेसमेकर होता है, अगर पेशेंट को हमें पेसमेकर डालना हो तो जो क्लेविकल बोन होती है जस्ट बिलो दिस क्लेविकल बोन हम पेसमेकर इंसर्ट करते हैं। ये जो पेसमेकर होता है मोस्ट कॉमनली ये लिथियम बैटरी होती है। अगर हम ब्रॉडर सेंस में देखेंगे तो इट इज बायोलिथियम, सो दैट कि जो इम्यून सिस्टम है एक इंडिविजुअल का वो इस पे इसके अगेनेस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस ना करे, दैट इज व्हाई इट इज मेड अप ऑफ बायोलिथियम। और इसकी जो जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, और वी कैन से दैट लाइफ स्पान जो होता है इस बायोलिथियम बैटरी का दैट इज अबाउट 10 ईयर्स। ये आपका क्वेश्चन बनता है यहाँ पे रिगार्डिंग द पेसमेकर, वन इज द प्लेसमेंट एंड सेकंड इज द लाइफ स्पैन ऑफ दिस पेसमेकर। दिस वाज ऑल अबाउट द हार्ट ब्लॉक्स, होप यू हैव एंजॉयड द लेक्चर।